हेलो फ्रेंड, नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार्ट सेल क्लास में तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 हिंद चीन राष्ट्रवादी आंदोलन, और यह हमारा पार्ट 4 वीडियो होगा। अगर आप पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और वीडियो को दोस्तों अंत तक बने रहिए, तभी तक आपको यह टॉपिक जो है बहुत ज्यादा समझ में आएगी। चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक है हिंद चीन के प्रति फ्रांसीसी नीति, मतलब हिंद चीन के प्रति जो है फ्रांस वाले लोग क्या नीति अपनाया। तो देखिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसके बाद क्या हुआ कि अमेरिका ब्रिटेन फ्रांस होलैंड ये दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य को पुनः स्थापना करने लगे। तो है क्या भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दक्षिण पूर्व एशिया में अपने साम्राज्य का पुनः स्थापना कौन करने लगे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और होलैंड। इसके बाद फ्रांस ने अपने डूबे साम्राज्य को बचाने के लिए औपनिवेशिक तंत्र योजना बनाई, मतलब एक तरह से औपनिवेश का मतलब समझ लीजिए कि दूसरे देश पर कब्जा करने वाला योजना बनाया, ठीक है, औपनिवेशिक तंत्र योजना बनाई। और इस योजना में पहली बात क्या गया कि फ्रांस जो है विशाल साम्राज्य को यूनियन दल में बदल दिया। सबसे पहले फ्रांस जो है विशाल साम्राज्य को उसने क्या किया, यूनियन दल में बदल दिया। दूसरी बात, हिंद चीन में फ्रांस महासंघ जो है फ्रांस महासंघ का अंग होगा, जो हिंद चीन है वो फ्रांस महासंघ का क्या होगा, अंग होगा। पहली बात, फ्रांस जो है विशाल साम्राज्य को यूनियन दल बदलता है। दूसरी बात, हिंद चीन में फ्रांस महासंघ का अंग होगा, हिंद चीन जो है फ्रांस महासंघ का अंग होगा। तीसरी बात थी कि हिंद चीन के राज्यों, हिंद चीन के जो संरक्षित राज्य होंगे और कोचिंग चीन के साथ मिलाकर संघ बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, संघ, मतलब हिंद चीन और उसके जो राज्य है और कोचिंग चीन है, इन सबको मिलाकर क्या बनाया जाएगा, एक संघ बनाया जाएगा। और इस पर नियंत्रण किसका रहेगा, फ्रांस का। और इस हिंद चीन के संघ में विदेशी नीति और सैन्य पर फ्रांस का नियंत्रण होगा। किसका नियंत्रण जी, फ्रांस का नियंत्रण होगा। तो इस तरह औपनिवेशिक तंत्र योजना में क्या बनाया कि उन्होंने सबसे पहले उनका जो विशाल साम्राज्य था उनको यूनियन दल बदल दिया। दूसरी बात, उन्होंने क्या किया कि हिंद चीन को मतलब कहा क्या कि फ्रांस का महासंघ का अंग बताया। और फिर तीसरी बात कहा कि हिंद चीन जो है राज्य और कोचिंग को मिलाकर एक संघ बनाएंगे, और इस संघ पर जो सैन्य होगा, सैन्य पावर होगी, और जो विदेशी नीति होगी वो फ्रांस में नियंत्रण में रहेगा। इसके बाद क्या होता है, कुछ दिन बाद क्या होता है कि जब जापान की सेना इधर से हटती है तो यहाँ पर क्या होता है, फ्रांस की जो सेना है सौगड़ी पहुंचती है। जब जापान की सेना हट जाती है और फ्रांस की सेना सौगड़ी जाती है, तब क्या होता है कि वियतनाम में जो छापोमार होते हैं वो भयंकर युद्ध करते हैं, फ्रांस वाले बहुत मारते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि हनोई समझौता होता है, वियतनाम और फ्रांस के लोगों के बीच क्या होता है, हनोई समझौता होता है। और हनोई समझौता कब होती है, तो 1946 में। और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है कि हनोई समझौता किसके बीच हुआ, तो फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। किसके बीच हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ हनोई समझौता। किसके बीच हुआ, फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ। कब हुआ दोस्तों, तो 1946 में। दो नंबर में आया था, आप कैसे लिखेंगे कि हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हुआ था, यह समझौता 1946 में था, लाइन क्रिएट कर। और फिर इस समझौता के द्वारा वियतनाम का मांग था कि राज्य के सभी संघ स्वतंत्र हो, वियतनाम राज्य जितने भी संघ है वो क्या हो, स्वतंत्र हो, उस पर किसी भी देश का जो नियंत्रण नहीं रहेगा। लेकिन आगे चलकर दोस्तों क्या होता है कि हनोई समझौता क्या होता है, टूट जाता है। कुछ वियतनामी प्रतिक्रियावादी फ्रांस का साथ देने लगते हैं, और फिर हो चिन मिन क्या होता है, उसकी ताकत जो है अब उतनी ताकत नहीं रहती है वो फ्रांस का मुकाबला कर सके, और इस प्रकार जो है गुरिल्ला युद्ध स्टार्ट होता है। अब हमारा टॉपिक होगा गुरिल्ला युद्ध। इतना आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, और आपको एक बार में ना समझ में आए दोबारा वीडियो को रिपीट करके देखिए, और मैं आपको बार बार दोस्तों रिपीट कर रहा हूँ। तो वीडियो को आपको कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कीजिए, और आप स्टेटस जरूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि अब दोस्तों देखते हैं गुरिल्ला युद्ध भी क्या हुआ। तो गुरिल्ला युद्ध जो है लगभग ये 1950 में हुआ था, ठीक है, और इसमें क्या हुआ, गुरिल्ला युद्ध का जो लाभ है वो फ्रांस उठाता है। और फ्रांस क्या करता है कि पेरिस से बावादोई को वियतनाम को बुलाता है, और वियतनाम का शासन जो है बना देता है, ठीक है, वो भी दक्षिणी वियतनाम का। तो है क्या, गुरिल्ला युद्ध में क्या होता है, गुरिल्ला युद्ध का लाभ जो है कौन उठाता है, वो फ्रांस उठाता है। और फ्रांस जो है पेरिस से बावादोई को बुलाता है और वियतनाम का शासन जो है बना देता है। फिर आपका है क्या कि अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को मिल रहा था यहाँ पर, तो फ्रांस बहुत मतलब वाह वाह कर रहा था। इसके बाद 1949 में क्या होता है कि हो चिन मिन ने
चीनी गणराज्य को स्वीकार कर लेता है। ऐसे स्थिति में 1949 में हो ची मिन्ह ने चीनी गणराज्य को क्या कर लाता है जी, चीनी गणराज्य को ही स्वीकार कर लेता है और पूर्णतः साम्यवादी बन जाता है। और पूर्णतः क्या होता है, साम्यवादी बन जाता है। फिर 1950 में क्या होता है कि रूस और चाइना ने वियतनाम गणराज्य की मान्यता दे देते हैं। रूस और चाइना जो है जी वियतनाम गणराज्य की मान्यता देते हैं अलग से। और फिर आपका है क्या कि इस आगे चलकर 1950 में ही क्या होता है कि जो वियतनाम है दो भाग में बढ़ जाता है, एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का जो सरकार होता है वो हो ची मिन्ह होता है और दक्षिणी वियतनाम की जो सरकार होती है वो बावा दाई होता है। जी बावा दाई होता है, ठीक है, ये बावो दाई होता है। और फिर आपका होता है क्या दोस्तों कि यहाँ पर मतलब जो दक्षिणी वियतनाम है इस पर लाओस और कंबोडिया, देखिए है क्या, जो लाओस और कंबोडिया थे वो भी फ्रांस के नियंत्रण में थे और ये भी स्वतंत्र होना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, जो लाओस और कंबोडिया के रास्ते से ये गुरिला सैनिक दक्षिणी वियतनाम पर जो है आक्रमण करते थे, दक्षिणी वियतनाम क्या जी आक्रमण करते थे और ये फिर से जो है जंगलों में छिप जाते थे। गुरिला सैनिक ऐसे सैनिक थे जो भी दक्षिणी वियतनाम पर लाओस और कंबोडिया के रास्ते जो है आक्रमण करते थे और जंगलों में छिप जाते थे, पता नहीं चल पाता था। फिर आगे चलकर क्या होता है कि ये गुरिला सैनिक के जो है दियन बियन फू पर गुरिला सैनिकों ने भयंकर आक्रमण किया। क्या किया, भयंकर आक्रमण किया। और इस आक्रमण के बाद क्या होता है, युद्ध में फ्रांस की हार हो जाती है। इस युद्ध मतलब गुरिला युद्ध में किसकी हार हो जाती है, तो फ्रांस की हार हो जाती है। और लगभग 16,000 फ्रांसीसी सैनिकों ने क्या करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं गुरिला सैनिकों के आगे। और फिर से आपका है क्या कि दियन बियन फू पर साम्यवादी अधिकार हो जाता है। तो ये थी आपकी गुरिला युद्ध। तो गुरिला युद्ध में आप क्या लिखेंगे, देखिए गुरिला युद्ध का लाभ जो है फ्रांस उठाता है और पेरिस से आप बावादोई को आपको है कि बुलाता है और दक्षिणी वियतनाम का शासन बता देता है। और फिर इस समय में क्या होता है कि अमेरिका और ब्रिटेन का समर्थन भी फ्रांस को मिल रहा था। और फिर इस तरह क्या होता है 1949 में हो ची मिन्ह जो है चीनी गणराज्य को स्वीकार कर लेता है और पूर्णतः साम्यवादी बन जाता है। और 1950 में रूस और चीन जो है वियतनाम को गणराज्य की मान्यता दे देते हैं। और 1950 में जो है वियतनाम दो भागों में बढ़ जाता है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी। दक्षिणी वियतनाम का जो शासक था, सरकार था, वो बावादोई थी और जो उत्तरी का था वो हो ची मिन्ह था। फिर आगे जो है क्या कि जो लाओस और कंबोडिया इलाका था वो भी फ्रांस के नियंत्रण में था, वियतनाम भी था भाई। और इस तरह क्या बोलते हैं, वियतनाम की तरह ही लाओस और कंबोडिया भी स्वतंत्र होना चाहते थे। और ये है क्या, लाओस और कंबोडिया के रास्ते जो गुरिला सैनिक थे वो दक्षिणी वियतनाम पर आक्रमण करते थे और जंगल में छिप जाते थे। फिर आगे चलकर है क्या कि दियन और बियन फू पर ये गुरिला सैनिक क्या करते हैं, भयंकर आक्रमण करते हैं। और इस गुरिला युद्ध में क्या होता है, फ्रांस की हार हो जाती है और लगभग फ्रांस के 16,000 सैनिकों क्या है, गुरिला सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण करते हैं, घुटने टेक देते हैं। और इस प्रकार क्या होता है कि दियन बियन पर क्या होता है, साम्यवादी अधिकार जो है फिर से आ जाता है, यानी कि आपका हो ची मिन्ह की जो सरकार जो है बन जाती है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताइएगा। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और कम से कम आप इसे स्टेटस भी लगाइए और दो लोगों को जरूर भेजिए ताकि ये आपके लिए हमेशा आपके इस तरह का वीडियो जो है ला दे रहे और पूरे हिस्ट्री का कंटेंट आपके लिए डाल सके। जय हिंद दोस्तों।